हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं त्रिदीप तो और मैं शर्मिष्ठा, आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रिपोहोलिक में। दोस्तों, हम जब घूमने के लिए जाते हैं तब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम गैदर करते हैं, और शायद घूमने के लिए हम इसीलिए जाते हैं टू गैदर दोस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा हॉन्टेड, थोड़ा गोस्टेड एक्सपीरियंस रहता है, जहाँ पे हमें डर का अनुभूति होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन सी जगहों में हमें ऐसे गोस्टेड एक्सपीरियंसेस या फिर थोड़ा बहुत डर लगा था, थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर सम काइंड ऑफ थिंग्स हमें लगा था, डर लगा था बेसिकली। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, क्योंकि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो पहले आप स्टार्ट करो, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, कौन सा जगह? जगह है वाराणसी, जो मैं गई थी 2012 साल में। तो ऐसा हमारा शादी से भी बहुत पहले तब मैं स्टूडेंट थी और मैं फैमिली ट्रिप की थी। तब ऐसा कहते हैं कि जिनका सनशाइन थोड़ा हेवी होता है, जैसे मेरा जो सनशाइन है वो थोड़ा हेवी है, तो वो लोग थोड़ा पैरानॉर्मल चीजें कम एक्सपीरियंस करते हैं। जिन लोगों का वर्गो, लिब्रा, ये सब सनशाइन होता है ना, तो वो कहते हैं कि उनका सनशाइन बहुत हल्का है, तो वो पैरानॉर्मल चीज़ें ज़्यादातर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मेरा उतना कुछ मैंने बहुत ही कम लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और इसे एक्सपीरियंस किया है मतलब ऐसा नहीं कुछ अनकैनी फीलिंग हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने एक मतलब आंखों के सामने एक भूत देख लिया। हाँ, एक सादा साड़ी पहन, हाँ सर नहीं है, सादा सफ़ेद साड़ी पहन के कोई जा रहा है, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ अनकैनी फील किया है, वही मैं आपको कह रहा हूँ। लाइफ में बहुत ही कम है, और उसमें से एक है वाराणसी में गए थे 2012। तो जिस होटल में हम रुके थे, तो होटल का जो मतलब नाम तो मैं नहीं ले सकती ऐसे भी, तो वो गंगा के घाट से बहुत नजदीक था। हम लोग शायद सेकंड फ्लोर में रुके हुए थे। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, सेकंड डे से कि जब भी सब कुछ मतलब कोई बात नहीं कर रहा है, सब ऐसे ही बैठे हुए है ना, घर का जो दरवाजे का जो लॉक होता है ना, जो हैंड लॉक ऐसे ऐसे करके हम खोल के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, वो लॉक ऐसे ऐसे लगता है बाहर से कोई उठा रहा है, मतलब लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है और दरवाजे पे नॉक करता है। जितना बार भी हम दरवाजा खोल के देख रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं। और ऐसा था कि दरवाजा जो था उसके बगल में ही एक खिड़की था, जिसमें से आप उसका कांच, जो उस खिड़की का जो कांच था वो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं था, मतलब कोई गुजरा तो आप उसका साया देख सकते हो कि कुछ कुछ जा रहा है, लेकिन कौन क्या ये सब दिखता नहीं था। ऐसा हुआ था कि एक दिन दोपहर को मैं होटल में बैठी, मैं अकेले ही थी रूम पे, बाकी मम्मी सभी फैमिली वाले लोग दूसरे कमरे में जाके बात कर रहे थे। तभी अचानक से मैंने देखा कि जो खिड़की था दरवाजे के बगल में, मैं बेड पे बैठे ऐसे खिड़की की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि कुछ गया, कोई पास किया वहां से, और पास करने के 2 सेकंड बाद ही दरवाजा नॉक होना शुरू हो गया, लॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं तुरंत जाके दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल कर देखा तो बाहर कोई नहीं था, और उसका कॉरिडोर बहुत लंबा था और हमारा रूम एकदम लास्ट में था, तो अगर कोई अगर दौड़ के भी जाता तो मैं निकल के उसको देख पाती थी, और दौड़ता भी तो उसके पैरों का आहट तो मुझको सुनाई देता ना। तो मेरे दरवाजे खोलने तक के टाइम में कोई भाग नहीं सकता था, और ऑपोजिट के साइड में भी ना कोई रूम नहीं था, सिर्फ दीवार, और लास्ट रूम हमारा ही है। कोई आया था कि नहीं आया था कुछ मतलब हमें पता चल जाता था, क्योंकि हमारे घर में हमारे सिवा और होटल बॉय के सिवा कोई आता नहीं था। तो मैंने फिर थोड़ा डर गई मैं कि क्या हुआ। और रात को ना हम तब क्या करते थे, जो दरवाजा रूम का जो लाइट था वो लाइट हमेशा ऑन करके ही सोते थे, मैं रात भर हमने लाइट्स ऑफ नहीं करते। और एक बात हुआ था कि जब जितने बार भी हम रूम के अंदर जो टॉयलेट था, वॉशरूम, उसके दरवाजे को हम जितने भी बार लॉक करते थे, वो कुछ मिनट बाद वो ऐसे ही मतलब पता नहीं कैसे खुल जाता था। और बिस्तर में सोते ही वो बाथरूम का जो आईना था वो एकदम मेरा फेस टू फेस था, तो मैं एकदम आंखें बंद करके सो गई थी पूरी रात और उठी भी नहीं। तो यही मेरे लाइफ का एक अनकैनी, एक स्पूकी सा फीलिंग्स था जो मैंने शेयर कर दिया। अभी नेक्स्ट जो इंसिडेंट है, मैं कह रहा हूँ वो हमारे शादी के बाद का। हाँ, या इट्स आफ्टर मैरिज, वी आर ट्रैवलिंग नागालैंड, और नागालैंड का एक बहुत ही सुंदर सा एक रिसोर्ट में हम रुके थे। और ज़्यादातर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब भी कोई रिसोर्ट में जाते हैं या फिर ऐसे घूमने के लिए, तो उस जगह में हम दोनों ही रहते हैं,
मतलब और कोई नहीं होता है ऐसा। और वो जगह जो था ओखा, वो जगह भी बहुत ही ऑर्बिट एक लोकेशन था, जंगल चारों तरफ पहाड़ से मतलब घिरा हुआ जंगल, शहर से मेन जो ओखा सिटी है उससे बाहर होम रिसोर्ट का नाम मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लूँगा, होम स्टे सॉरी रिसोर्ट जो था वो बहुत ही सुंदर था उसमें नो डाउट। बट क्या हुआ था रात में, क्या होता है कि उसमें जो हेल्पर्स लोग जो थे ना वो वाले जो काम करते थे तो शहर से बाहर था वो रिसोर्ट जंगल के अंदर, तो वो लोग लगभग 7-8 बजे के अंदर ही वो लोग काम खत्म करके चले जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है, ज़्यादातर पहाड़ों में ही ऐसा होता है कि वो लोग 8 बजे मतलब 8 PM to 8:30 PM तक खाना पीना करके सो जाते हैं। हमारा तो ऐसा आदत नहीं था, तो हमारा जो खाना है वो घर में वो लोग दे के चले गए थे, हाँ डिनर। जब रात हुआ चारों तरफ सुनसान और पहाड़ इतना ग्रीन था, मतलब जो जंगलों से भरा हुआ पहाड़ खिड़की से दिख रहा था, वो चारों तरफ अंधेरा, लोड सेटिंग हो गया था, बारिश स्टार्ट हुआ और खिड़की जो था कांच का बना हुआ एक खिड़की था ग्लास का, वो खटखट 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 कर रहा है। रिसोर्ट के रूम में पहुंचने के बाद ना ये थोड़ा कैमरा लेके रिसोर्ट का फोटो लेने के लिए गया, तो मैं रूम में अकेली थी और एक अजीब सा मतलब कुछ ना फील हो रहा था, मैं आपको शायद समझा नहीं सकती। तो मैं वॉशरूम में गई और मैंने ऐसे ही मन ही मन में कहा कि अगर यहाँ पे कुछ है अननेचुरल तो अभी लोड शेडिंग हो जाएगा, ऐसा मैंने मन ही मन में सोचा। और उसी वक्त लोड शेडिंग हो गया, पावर कट हो गया, तब मुझे इतना मतलब डर लगा, मतलब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है लेकिन डर जो था वो तो जेनुइन था एकदम। तो अब ऐसा कभी मत सोचिए। नहीं तो ये था, ऐसे कोई भूत वूत तो देखने को नहीं मिला, बट एटमॉस्फियर बहुत डरावना था और एक अलग सा अनुभूति है, मतलब कि अगर आपने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस लेना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें याद रहता। और एक सिमिलरली इंसिडेंट हुआ था जो हमको हुआ था वो डुअर्स में। हाँ। मैं आपको बता देता हूँ, डुअर्स एक्चुअली वेस्ट बंगाल का एक पोर्शन है, तो ये जो मिडिल वाला जो पोर्शन है पहाड़ और प्लेन्स के बीच में, इसको कहा जाता है डुअर्स। तो वहाँ पे जंगल है, बहुत सारे नेशनल फॉरेस्ट है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे एक जगह में, तो उसके बारे में तू बताओ। मैं कहूँ? हाँ बता। अच्छा, तो वहाँ पे भी एज यूजुअल हम जब पहुंचे तो और कोई गेस्ट था नहीं, सिर्फ हम दोनों ही थे। और वहाँ पे भी जो मतलब होटल के जो होटल तो रिसोर्ट था ना, रिसोर्ट का जो मतलब लड़का या जो भी काम करता था, तो वो भी उनका कुछ मतलब लोकल कुछ फेस्टिवल या सब कुछ चल रहा था, तो उसने भी कहा कि हम जल्दी निकल जाएंगे, आप लोगों का खाना तैयार करके हम चले जाएंगे, तो वो भी दे के चले गए। और फॉरेस्ट के अंदर तो वैसे भी बहुत साइलेंस बहुत ज्यादा होता है, और उसमें एक केयरटेकर था, एक अंकल बूढ़ा आदमी, उनका कुछ हो गया तो फिर उसका टेंशन अलग, मतलब कि हमें मुझे अपने से ज्यादा उसका टेंशन लग रहा था कि भाई उनके भरोसे हमको छोड़ के गए, और तो कोई है नहीं, हम दोनों है और वो अंकल जो भी थे वो केयरटेकर, अगर उनका कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इतना बुरा था वो, हाथ ऐसे एकदम बुरा होता है ना भूत के सिनेमा में, आप किसी दरवाजे के सामने आए, एक बूढ़ा एक लाइट लेके आता है ऐसे ऐसे करके, वो बूढ़ा हुआ था वहाँ पे था। और मैं तो सो गई, और इनका नींद बहुत पतला है, मैं तो सो जाती हूँ मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, तो इसने बहुत सारे साउंड्स मतलब एकदम सन्नाटा जंगल के बीच छत के ऊपर कुछ आवाज हो रहा था। जल्दापारा नेशनल फॉरेस्ट था, तो जल्दापारा नेशनल फॉरेस्ट के बगल में ही, मतलब कि ये फॉरेस्ट यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ से गाँव स्टार्ट होता है, तो उस गाँव में वो रिसोर्ट बनाया गया, ठीक है। तो वो रिसोर्ट क्या था, वो लकड़ी का मतलब बैम्बू से बनाया गया था, ऊपर जो छत था वो टीन का बना हुआ था। हाँ। तो हम जब रात में सो रहे थे वहाँ पे, तो मंकीज मतलब कि वाइल्ड मंकीज आके उसमें शायद ऐसे ही ऊपर उछल कूद कर रहे, हलचल कर रहे थे। हाँ, और मतलब इंक्रीज साउंड वो साइलेंट बिकॉज ऑफ द डीप फॉरेस्ट, रात में सन्नाटा और उसमें से वो मंकीज का आवाज उछल कूद कर रहा था। और एक चीज, आप रात में कभी पिकॉक, तो रात में कभी अगर आप मोर का आवाज़ अगर आप सुन लेते हो ना, तो मतलब आपका आत्मा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और वो भी जंगल के अंदर, इतना मतलब कि वो आवाज़ डरावना। उसके साथ जल्दापारा नेशनल फॉरेस्ट में गेंडे एंड एलिफेंट्स भी हुए, तो एलिफेंट्स का आवाज़ भी आ रहा था।
ये सब साउंड्स मिला के और वहाँ पे सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं है, हम दोनों जंगल के पास। हाँ, और हमारा रूम भी एकदम साइड में था, मतलब हमारा रूम बाउंड्री फिर जंगल, तो मतलब बहुत ही मतलब स्पूकी एक्सपीरियंस था। मुझे तो ये लग रहा था कि सुबह हो जाए, बस सुबह हो जाए, ये रात बहुत ही गंदा रात है, ऐसा मुझे लग रहा था। वो जो हम मिचुका में गए थे याद है, एकदम पाइन फॉरेस्ट के अंदर हमारा बाइक खराब हो गया था, तब भी हम बहुत डर गए थे, है ना। और एक ये इंसिडेंट है जो ये कह रही है कि हम मिचुका गए थे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में मिचुका बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है मिचुका, अगर आप नहीं गए हो तो आप जा सकते हैं। मूवीज का शूटिंग भी होता है ना। हाँ, बहुत। तो हम लोग बाइक से घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, और अरुणाचल में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में, और मिचुका में तो आपको ये देखने को भी मिलेगा, छोटा छोटा सा गाँव है, गाँव में 2-3 घर है ऐसा टाइप का। तो हम लोग जा रहे थे एक सबसे दूर का जो विलेज था, आप कह सकते हो लास्ट विलेज, मिचुका एक मिडिल में विलेज है, फिर मिचुका के अगल बगल में बहुत सारा विलेज है, मिचुका से 4 किलोमीटर दूर हम जा रहे थे। हाँ। तो हम बाइक लेके जा रहे थे, जो बाइक दिया गया था हमें वो बाइक ऐसा ही था। हाँ, बाइक भी मतलब के घटिया था, स्टार्ट बंद हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, गियर चेंज नहीं हो रहा था, तो जैसे तैसे करके एक बार पहले भी प्रॉब्लम हुआ था, तो जैसे तैसे करके चला के हम लोग पहुंच तो गए थे वहां पे, दार्जिलिंग विलेज का नाम था, दार्जिलिंग विलेज घूमना है, तो ऐसे करके दार्जिलिंग विलेज तक पहुंच गए थे, बहुत रात हो चुका था, वहां पे जाके थोड़ा बहुत फोटो वोटो खींचा, लेकिन फोटो कुछ आया नहीं, वो अलग बात है क्योंकि अंधेरा हो गया था चारों तरफ। और उस जगह में दार्जिलिंग विलेज के उस साइड में जाके सिर्फ बाइक लेके हम खड़े थे, सिर्फ हम दोनों खड़े थे, चारों तरफ अंधेरा, बहुत सुकून भी मिल रहा था। और फिर उसके बाद हम जो रिटर्न करके आ रहे थे दार्जिलिंग विलेज एंड मिचुका के बीच में एक पाइन फॉरेस्ट हाँ, और कैसे सुनसान होता है पाइन फॉरेस्ट, जिनको पता है उनको बोलने का जरूरत नहीं है। तो मैं बाइक लेके आ रहा था, रात हो चुका था, और बाइक लेके आते आते अचानक से वो वहाँ और पे कुछ कोई था भी नहीं रास्ते में, सिर्फ हमारा ही मतलब रास्ते में एक मिथुन मिला था, ठीक है, और मिथुन क्या होता है, एक बुल जैसा होता है, वो अरुणाचल का उनका एक स्पेसिस स्टेट एनिमल है, अरुणाचल का स्टेट एनिमल है, तो ऐसे तो शांत होता है, लेकिन हमें तो पता नहीं है ना क्या क्या करेगा। हाँ, और हमारा बाइक ऐसे खराब हो गया वहाँ पे। तो फिर हम आ रहे थे, मिथुन दिखा, ठीक है, मैंने कहा ये देखिए मिथुन जंगल से निकल रहा है, और ऐसे बोल के थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ा सा ही आगे गया, बाइक का स्टार्ट बंद हो गया, पिकअप ही नहीं ले रहा है, कोई नहीं रहा। फिर स्टार्ट किया, सेल्फ मार रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो गाड़ी वहाँ पे पड़ा हुआ था, मतलब कि बाइक लगा हुआ है, पीछे एक मिथुन है। हाँ, पीछे एक मिथुन, अगर वो भाग के आ गया, मैं तो सोचा था अगर भाग के आएगा तो बाइक यहाँ पे पड़ा रहेगा, हम दोनों जैसे तैसे करके भागेंगे। तो फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जैसे तैसे करके गाड़ी स्टार्ट हुआ, लेकिन गियर चेंज नहीं हो रहा, बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा था, गियर चेंज नहीं हो रहा था, सिंगल गियर में डाल के हाई पिकअप करके। हाँ। मैं किस तरह से आया था, मतलब कि मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। और इतना डर लगा था, आपको शायद सुनने में उतना डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो हमने फेस किया था उस रात, मतलब दिसंबर की ठंडे में, और अरुणाचल बहुत ठंडा, -1 -2 ऐसा कुछ टेम्परेचर, पाइन फॉरेस्ट के अंदर एक भी कुछ भी कोई इंसान तो दूर, एक घर भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम दो फंसे हुए हैं। तो नहीं है अभी, क्योंकि वो उस टाइम में मैं, हाँ, तब वीडियो लेने की मेंटेलिटी नहीं था, तो फुटेज होता तो आपको शायद वो और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाता, लेकिन जो भी है, फिर जैसे तैसे करके मिचुका पहुंचे, बस फिर उसके बाद गर्म कॉफी पी के थोड़ा सा शांत किया मन को, आलीज वेल एंड फिर होस्ट को जाके बताया कि भाई साहब ये बाइक मत देना, किसी को मत दीजिएगा, मतलब कि इतना घटिया बाइक है, किसी का जान दे सकता है, मतलब हाँ। ऐसे तो एक्सीडेंट में अगर नहीं लेगा तो डर करवा के ले लेगा, मर जाएगा। आसपास में कोई नहीं होता है अरुणाचल जंगल के अंदर। हाँ। हम दोनों फंसे हुए हैं, मतलब अभी सोचने से भी अभी मतलब कैसा कैसा एक लग जाता है। ये था कुछ एक्सपीरियंसेस जो थोड़ा बहुत हमें, मतलब कि हमारा जो एड्रेनलिन है उसको थोड़ा बूस्ट किया था उस टाइम, मतलब कि हमने कुछ अनकैनी फील किया था ऐसा। वो पहला वाला तेरा जो एक्सपीरियंस था वो वाला थोड़ा ज्यादा ही था, बट जो नॉर्मल हम लोगों ने जो फील किया एक साथ जो भी ट्रैवल किया है, वो थोड़ा बहुत वो एड्रेनलिन बूस्टअप वाला था, थोड़ा उस टाइम में तो लगा था थोड़ा बहुत डर, अरे भाई क्या तूने भी तो बचपन में एक बार ऐसे डरा था ना कुछ किसी को हैंगिंग, वो कभी बाद में करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कॉमेंट कीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे कहानी है, हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ अगर अच्छा लगा है तो।
एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर।